फाइटर जेट तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर दुबई में एयर शो करेंगे। भारत के एम्बिशियस सुखोई 30 मार्क अपग्रेड के प्रयास के बीच रूस अपना हथियार पैकेज पेश करने को उत्सुक है। ब्रह्मोस अगले 20 सालों तक अनबीटेबल रहेगा। भारतीय सेना 500 हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदेगी। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी 13 से 17 नवंबर 2023 तक होने वाले द्विवार्षिक दुबई एयर शो में भाग लेने के लिए दुबई के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में दो इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म शामिल है। तेजस एयर शो के दौरान स्टैटिक एंड एरियल परफॉर्म दोनों का हिस्सा होगा, जबकि ध्रुव हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने एरोबेटिक स्किल को परफॉर्म करेगी। रशियन सुखोई 30 मार्क फाइटर जेट के बेड़े के लिए भारत के एम्बिशियस अपग्रेड प्रोग्राम, जिसे सुपर 30 प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस देखी गई है। जबकि रशिया शुरू में अपग्रेड पैकेज से बाहर था, मेजर सिस्टम और कंपोनेंट को स्वदेशी डिजाइन से बदलने के भारत के दृढ़ संकल्प पर किसी का ध्यान नहीं गया। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही है, रूस आधुनिक सुखोई 30 मार्क के लिए एडवांस वेपन की पेशकश बढ़ा रहा है। ब्रह्मोस अपनी सुपरसोनिक स्पीड और इफेक्टिवनेस के लिए जानी जाती है। 25 सालों तक सेवा में रहने के बावजूद ब्रह्मोस इंटरसेप्ट के लिए एक चैलेंजिंग मिसाइल बनी हुई है और मेकर्स को भरोसा है कि यह अगले 20 सालों तक अपनी सुप्योरिटी बनाए रखेगी। इसके साथ ही भारतीय राजदूत शंभु कुमारन के अनुसार फिलीपींस को हाईली एंटीसेप्टेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की डिलीवरी अभी भी ट्रैक पर है। हालांकि सटीक डिलीवरी की तारीख का खुलासा नहीं किया गया था, पहले यह बताया गया था कि मिसाइलें दिसंबर में डिलीवर होगी। भारतीय सेना 500 हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद के साथ अपने आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पहले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में एकीकृत करने के लिए लॉन्चर और सपोर्ट इक्विपमेंट के साथ इन मिसाइल के एक्विजिशन को मंजूरी दे दी है। ALH में हेलिना ATGM का एकीकरण दुश्मन के खतरों का मुकाबला करने के लिए इन हेलीकॉप्टरों को हथियार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।